Welcome to my channel. We are playing Minecraft. So, ये मेरा बहुत सा सामान पड़ा हुआ इधर. इसको ले लो, इसको ले लो, इसको. कोल को तो मैं अपने इस फ्रेंड में मिला देता हूँ, ज़्यादा कम खर्चेगी. और येलो डाई को इस वाली चेस्ट में. मुझे लाइम कंक्रीट बनानी है. जिसके मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपना एक, अरे अबे यार वापस जाना पड़ेगा. शवल चाहिए, शवल, शवल मेरी इसमें. तो मैंने सब कुछ सोचा था कि संभाल कर दूंगा, तो मैंने सब कुछ अलग से रख दिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ. तो इतना सामान कूद देता हूँ थोड़ा बहुत. और हाँ ठीक है, इतना सामान मेरे लिए आज के लिए तो अभी काफ़ी है. बाकी चेस्ट को मुझे नीचे ले जाना है, क्योंकि मैं चेस्ट रूम बना रहा हूँ. अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़ी बहुत सैंड तोड़ के लाते हैं. मेरे ख्याल से 16 सैंड चाहिए होंगी बस. मेरी कैलकुलेशन तो मुझे 32 ग्रीन कॉन्क्रीट ऑन चाहिए. तो 16 तो मैं यहीं से तोड़ लेता हूँ. एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो वन 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 मैं वो बना सकूँ, क्या बोलते हैं, भूल गया. मेरे से सैंड कैसे टूटी हुई है पता नहीं. अरे हाँ, मेरा क्रीपर फूटा था मेरे घर में, इसे मैंने चैस यहाँ पर रख दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए. तो मुझे बनानी है लाइम कॉन्क्रीट पाउडर. ऑफ कोर्स पाउडर ही बनेगा. तो मैं कुछ खरीदा, मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ. हाँ ये है वो चीज़. तो मुझे सबसे पहले यहाँ का खोदना है. अरे अबे यार ये सनी सैंड कहाँ से आ गई. पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे थोड़ा सा और नीचे करना चाहता इसे. चलो चलो चलो, साइड राइट इकट्ठा करो. ठीक है, आप इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो. और इससे पहले डट लगा के आता हूँ ऊपर. ओके सो जा पहले. भाई तू सो जा भाई, सामने मर्डर होने के लगे हैं तेरे बंदे. बंदे मर्डर करने के आ रखे हैं. मैं 34 चेस्ट भी बना रखी, मुझे नीचे चेस्ट भी लगानी है. बड़ा टाइम लगा था इन सब चीज़ों में. ओके तो कहाँ से नहीं आई थी सैंड. ओके यहाँ से आई है भाई. ठीक है चलो, यहाँ पर लगा दी और यहाँ पर लगा दो. अब मुझे यहाँ पर सैंड लगानी है. सैंड स्टोन लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी. अब कौन इतना नोटिस करेगा. अब यहाँ पर भी सैंड स्टोन लगा देता हूँ. अब अलग अलग क्यों रखूँ. अब इसको रखो यहाँ पर. ठीक है चलो, हाँ ठीक है चलो, अब चलते हैं चलो नीचे अपना काम पूरा करते हैं. तो मुझे इन सब कंक्रीट पाउडर का कंक्रीट बनाना पड़ेगा. तो मुझे ऊपर लगाना है ना कि कहीं और. ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लगाता हूँ. अब हाँ, पहले सब जगह से ऐसे ऐसे गिर देते हैं. ठीक है, अब निकालते हैं वाटर की बकेट. उसके बाद यहाँ पर गिरते हैं. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर. ठीक है, ये साइज हो गई और ये बची है. ठीक है, ये भी हो गई. अब मुझे मेरी आयरन की, अब स्टोन की ले लो यार. हाँ मैं नई आयरन की पीस बनाई थी ये सब काम करने के लिए, पर मैंने फिर स्टोन की बना ली क्योंकि मुझे बहुत सारा स्टोन मिल गया था. अब स्टोन में तो कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ेगा, वरना तो मेरी इन्वेंट्री पूरी भर जाएगी. तो मैं मिलता हूँ आपको ये कंक्रीट तोड़ने के. तो बस ये पर्पल वाली कंक्रीट मुझे चेंज करनी है. और ये पानी देना है यहाँ पर, ये तो हो गई. अब यहाँ पर पानी देना है, यहाँ पर पानी गिरना है और यहाँ पर पानी गिरना है.
अरे ये मुझे अभी नहीं लगानी यहाँ पर, ओके तो और ठीक है चलो सारी बन गई, अब इनको तोड़ते हैं। पर्पल और ग्रीन अच्छा लग रहा है, बड़े कॉम्बिनेशन है। मैं सोचता हूँ रेड और ब्लू कॉन ये साइड वॉल पे लगाता हूँ और नीचे की साइड पर्पल और ग्रीन, अगर सब अलग अलग की लगाना सेम ही कर लेता हूँ। चलो फ़ायदा रेड और ब्लू बनाने में था, पर चलो ठीक है। यहाँ पर अब है तेरी ऐसे की राशि पर, यहाँ पर अब इसको तोड़ो, और यहाँ पर यार कंक्रीट में तो मेरी कम पड़ने वाली है, पता नहीं क्यों लग रहा है। हाँ कम पड़ गई, चार कम पड़ी हैं यार। अब चार कंक्रीट कहाँ से लाऊँ मैं, चार कंक्रीट बनानी पड़ेगी, तो थोड़ी सी ग्रेवल तोड़ के लानी पड़ेगी और थोड़ी सी सैंड कहाँ से तोड़ के लाऊँ। खाना खाए मैंने पहले, खाना खा तो पहले चार बनाने की मुझे चार की जरूरत थी। दो सैंड तो मेरे पास एक पड़ी है, दो सैंड और तोड़ के लानी है बस, तीन सैंड तो वो तो मैं चलो यहीं से तोड़ लेता हूँ। हो गया अपने चार सैंड, अब तुम ग्रेवल तोड़ के लाने, ग्रेवल की मुझे माइनिंग पे जाना पड़ेगा क्योंकि सारी ग्रेवल मैं यहीं से तोड़ के लाया हूँ। चलो बस चार ग्रेवल चाहिए मुझे। अरे यार कितना नीचे है, ग्रेवल एक दो तीन चार हो गई। अब चलो वापस, हाँ मैं मिलता हूँ आपको ऊपर ही। तो मैंने अभी ये पूरा कंप्लीट कर दिया, मेरे पास टॉर्चेज लानी है और अपना काम सारा शुरू करना है। तो मुझे दो तीन चीज़ें यहाँ से और चाहिए, टॉर्चेज और यहाँ से चाहिए मुझे बहुत सारे स्टिक्स, जो मैंने बना कर रखी ऑलरेडी, वो सेपरेट की होंगी पता नहीं। तो सब कुछ यहाँ है मेरे पास, चलो एक सबसे पहले ना यहाँ पर एक चेस्ट के अंदर तीसरी डट रखो, हाँ नहीं तो भाई अब ठीक है। अब चलते हैं नीचे अपना चेस्ट रूम को डेकोरेट करने के लिए, अभी तो कुछ नॉर्मल लग रहा है। तो टॉर्चेज का काम करते हैं कि टॉर्चेज मुझे कहाँ कैसे लगानी है, रुक जाओ पहले तो पहले चेस्ट का काम करते हैं, चेस्ट मुझे कहाँ कैसे लगानी है। एक टॉर्च तो यहाँ पर लगेगी, वो तो मेरा कंफर्म है। अब देखो जो मैंने सोचा है उसके हिसाब से मुझे चाहिए पहले क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल को मैं हेल्प देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बनानी है प्लैंक्स थोड़ा बहुत, इतने काफ़ी होंगे। अब मुझे बनाने थोड़ी बहुत फैंस 31 फैंस काफ़ी हैं। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर फिर दो की गैप छोड़कर यहाँ पर फिर दो की गैप छोड़कर यहाँ पर फिर दो की गैप छोड़कर यहाँ पर टॉर्च लगाओ, यहाँ पर अंधेरा क्यों हो रहा है वैसे, आप रोशनी नहीं हो रहा है कतई। चल ठीक है यार, अब मुझे दो फैंस यहाँ पर दो फैंस यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही इसको हटाओ पहले, तो मुझे बनानी है फैंस यहाँ पर और लास्ट दो यहाँ पर तो लगानी चेस्ट, यहाँ पर ये आज ही यहाँ पर दो दो चेस्ट लगे यहाँ पर। मेरे को मुझे और चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यस मुझे एक दो तीन यानी छः चेस्ट मुझे और चाहिए बस, और बन के तेरी हैं सिर्फ दो, और प्लैंक्स चाहिए
और चाहिए एक, और थोड़े से प्लैंक, और चाहिए एक, मैं छह चाहिए ना थोड़े से, और ठीक है अब दो बनेंगी, छह होंगे छह। अब मुझे लगाने यहाँ पर ये और ये और ये और ये और ये और ये। अब जो मैं टॉर्चेस निकाल, टॉर्चेस कहाँ कैसे लगानी है वो समझ आ रहा। अगर मैं टॉर्चेस को इसके ऊपर भी लाइक ऐसे लगा दूँ तो हाँ ठीक है चलो। अब मुझे यहाँ पर ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। अबे यार ठीक है। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं ये। अबे अबे पानी आ जा, पानी आ जा, चेस्ट तेरी ऐसे करती है। भाई ऊपर चल पा रहे तू इसके, हाँ नहीं तो भाई पानी ले, पानी ले, ओ पानी ले ले खदे। चल यहाँ पर इस पर है क्या पानी। यहाँ पर जितनी दूर लगा सकते हो लगा लो, और यहाँ पर और यहाँ पर लग जा बे। मैं ऐसे लग रही ना, ऐसे अच्छी लग रही, सीधे लगाना है एकदम यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर भी लगा दी भाई, लास्ट यहाँ पर भी लगा दी, और इसके बाद मैं चढ़ के लाऊँगा बेटे। अब बैठे वॉच कर दी, और इसके बाद मैं इसके चढ़ के आराम से अब सारी चौर चौर चौ टॉर्चेस, और यहाँ पर एक क्राफ्टिंग में रहने दो ताकि हर जगह क्राफ्टिंग उठाना चाहिए कहीं भी जरूरत पड़ जाती है, और डट हटा दो यहाँ पर लगाई मैंने, ठीक है। और इसको तोड़ो, और यहाँ पर अबे मैंने यहाँ पर भी क्यों नहीं लगाई कंक्रीट, मुझे एक की कमी पड़ गई। और मैं एक इसके पीछे की तोड़ रहा हूँ, बड़ा किसको पता चल रहा है क्राफ्टिंग टेबल के पीछे क्या है। अरे मुझे तो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल लगाना है, ठीक है चलो अब पता नहीं चलेगा किसी को भी। और यहाँ पर लगा दो अपनी लास्ट वाली कंक्रीट। अब पूरा हो गया मेरा चेस्ट रूम। तो कैसे लगा मुझे आपको एक चेस्ट रूम, अभी तो बहुत बड़ी वीडियो बची है, पर मैं चेस्ट रूम तो पूरा कंप्लीट कर ही लिया, देख लो चाहे बढ़िया भी लग रहा है लुकिंग नाइस। मैं सामान सेटल अकेले ऑफलाइन कर लूँगा, दो तीन दिन लेंगे सारे सामान सेटल होने में यहाँ पर। बहुत भाई इतना सारा सामान पड़ा है मेरी चेस्ट में, अब उनको वापस ऊपर नीचे करने में टाइम तो लगेगा ही, तो मुझे बस ठीक है बंद हो गया पूरा पहले। तो और यहाँ पर मेरा काफ़ी सारा फालतू का सामान है, इसको भी मेरे को सेटल करना पड़ेगा। डर डर गया यहाँ पर बिकॉज आई हैव नॉट मोर स्पेस टू कैरी आउट डेस्ट आइटम्स। और मैं जो मैं तुम्हें एक और चीज़ कहता हूँ, मैंने ये बनाया है, सबको वैसे देखने पता चल गया होगा मैंने क्यों बनाया ये। हाँ मैं वो बोन मिल फार्म बनाया ताकि मुझे जो सीड्स मिलते हैं फालतू के सारे सीड्स मैं बोन मिल ले सकूँ। और मुझे इसमें कहा मेरे बोन मिल कहाँ है, मेरे बोन मिल बहुत सारा पड़ा हुआ था, वो बोन मिल मैं इसमें डाल देता हूँ क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली इसी के लिए चश्मा बनाई रहे। मेरी बोन मिल कहाँ रख दी मैंने, ये एक केस बनी बोन मिल, देखो जितने भी सीट मिले थे वो देखो वो चेस्ट पूरी खाली सी हो गई है, अभी है इतने सारे सीट पड़े, हाँ इतने सारे
सीट पर बैठे थे, मैंने सारे 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 के सारे छोप दिए, मैं सारे के सारे आग लगा दी मैंने इनके तरह। भाई क्या करूँगा मैं इतनी सीट का, मुर्गी को खिलाता नहीं हूँ मैं ज़्यादातर। और यहाँ पर मेरे बोन मिला अपनी सारी, 25 बोन मिला भाई, को मजा आ गया क्या। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, पर सीट तोड़ूँ। ओके सब अपनी खेती तो आप सूख गई, चलो खेती तोड़ लेता हूँ एक बार। तो रुको मैं दिखाता हूँ, ये मेरी फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स, मुझे इसको रिपेयर करना है, जरा देखते हैं कितनी कॉस्ट मांगता है ये। मैं इसको यूज़ ही करता हूँ, उसके बाद रिपेयर करूँगा। तो ये कमाल करती है आलू पर, जो ये रहा, हम ये इस पर भी काम करती है, नॉर्मली जितने मिलते हैं उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। हम इसे खाने के लिए यही मेलन यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास फार्म तो है ही, मेरे पास स्टैक हम स्टैक भर के देते हैं। मुझे इन सब की अभी ट्रेड भी करनी है, ट्रेड भी मैं पोटेटो फार्म को बड़ा करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं तो अभी भी छोटा ही, और मैं अभी इसे इतना बड़ा 3 लेयर का तो बनाने वाला हूँ इसे, क्योंकि मैं इसे एमरल्ड कमाने वाला हूँ। डायमंड तो बहुत सारे आ गए हैं, फिर भी मैं डायमंड का आर्मर नहीं बनाऊंगा, मैं आर्मर तो मैं आर्मर से ही निकालूंगा, ठीक है। इसकी बारी इसे फॉर्चून वाली पिकैक्स में वीट पे काम नहीं करती, सीड्स पे काम करती है, मुझे सीड्स भी आजकल ज़्यादा चाहिए होते हैं, बिकॉज मुझे बोन भी चाहिए होती है। बोन भी वैसे पता नहीं किस पे काम करेगी, वैसे जरूरत नहीं मुझे बोन की, और फिर भी लेने में क्या ज़्यादा है। कमाल तो है लगभग लगभग, कुछ ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं अगर मैं ऐसा करूँ तो। और मेरे पास हेव भी बहुत सारी पड़ी हैं, हे बेल्स पड़ी है मेरे पास बहुत सारी, ना कि वेट, देखना 1.5 सैक वीट मिला है, सीड की बर 7 हो गई है, बर 7 हो गई है। ये पापा मुझे बस 1.5 सैक देता है, तो मुझे इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, पता नहीं मैं इतने सारे फार्म का करूँगा क्या। अब मेरा मेन, मैं आपको थोड़े टाइम बाद मिलूँगा, मतलब माइनक्राफ्ट की वीडियो थोड़े टाइम बाद आएगी, क्योंकि मुझे सारा सामान सेटल भी करना होगा, तो थोड़े दिन तक आपकी अभी फ्री फायर की वीडियो आने वाली है, फ्री फायर लवर्स एंजॉय इट। और मेरा बस यही कहना है कि सपोर्ट मी ऑन माई चैनल, ये हम सबका चैनल है, अगर हम सब एक साथ हमारा चैनल मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ा तो मेरे को बंद करना पड़ेगा, और आप सब हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, तो दोस्त ही होते हैं कि नाते, देखते हो एंटरटेनमेंट होते हो, तो प्लीज़ यार अगर तुम्हें मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। अब मैं दिखा दूँगा काम कैसे करता है, बस तुम्हें जाना है जो ऊपर वाली चेस्ट है इसको खोलना है, इसके अंदर अपने सारे के सारे सीड डाल देना है। अब ये बोन नीचे होगा कंपोस्ट में इकट्ठा होगा, कंपोस्ट से बोन लेकर नीचे डाल देगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब लास्ट वाले तो उन्हें अरे मेरे को किसने मारा भाई, ओके मुझे दिख नहीं रहा है वो, ओके यू आर हे, अरे 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 क्या खा लूँ बोले, अरे कैरेटी मारन क्या वेस्ट कर दिया। अरे कहाँ है, अरे अरे मैं आउट हो जाऊंगा, 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 आउट हो जाऊंगा।
भाग 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 तू लाल तिल उड़ने पहले तो मार देगा मैं शॉट है मेरे पास शॉट अरे एक्स है ना बेटा को मुंह में एक्स गाड़ दूंगा पूरी की पूरी अरे मैं पूरा कैरेट खाते हैं और वो बंदा यहीं कहीं बैठा है तो मुझे बड़ा सावधानी से जाना पड़ेगा बस 13 XP है भाई मजाक छोड़ना है ठीक है इतनी हेल्थ निकाल से काफ़ी होगी आक्रम मुझे आक्रमण करना है भाई तेरी ऐसी कम तैसी ये ले टू हार्ट्स ओनली टू हार्ट्स वो भाई साहब 2.5 हार्ट्स हैं बस भाई बंदे तो जान खाली 5 हार्ट तो उसने मेरे जब ही खत्म कर दिए जब मैं मेरे को पता भी नहीं चला था जब मेरे को पता भी नहीं चला वो कहाँ पर है मुझे सारे के सारे बीट सीड्स मेरे को बीट भी बहुत सारे मिल जाते हैं तो मैं इनको बीट डाल देता हूँ इसका इलाका यहाँ तक है मैंने इलाका बांट रखा है सबका तो बस यही आज की वीडियो मैंने अपना चेस्ट रूम बना दिया जिसके अंदर मेरी बहुत सारी चेस्ट हैं मजाक सेट के बहुत सारी हैं यार अभी मुझे सामान भी डालना है और मेरा खेत खेती बाड़ी तो आराम से चल ही रही है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को बाय बाय